व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आपने अब तक चांदनी चौक व्लॉग, लाजपत नगर व्लॉग और फाइनली मेरी शादी है और वो कब है, उसकी अनाउंसमेंट, उसकी डेट रिवील और मैं क्यों इतनी जल्दी शादी कर रही हूँ, ये सारे व्लॉग्स नहीं देखे हैं और मीशो का स्लिंग बैग वीडियो अंडर 300 रुपीज़ नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, वो आप मिस कर रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। आज गए सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी सच में इतनी सी, मतलब सर्दियों में 8 बजे बहुत जल्दी होता है, जैसे गर्मियों का मान लो 6 साढ़े 6 बजे। तो अभी आपको पूरे रोड से कोई नहीं दिखेगा क्योंकि अभी कोई ज़्यादा मतलब उठा ही नहीं है। और मैं उठी थी अपनी वॉकिंग के लिए और ये गाइस मेरे लिए सुबह सुबह उठ गया 7 बजे और इसने ही मुझे उठाया कि दीदी उठ जाओ, चलना भी तो है। एंड आई वाज लाइक यार ये मेरे चक्कर में, मतलब मुझे इतना मुश्किल हो रहा था उठना और देखो बच्चा उठ गया, तो मतलब आई शुड फील प्राउड कि आई हैव दिस काइंड ऑफ पीपल टू इन्फ्लुएंस मी पतले होने के लिए। पर मैं फिर भी नहीं हो पा रही, मैं फिर भी छोले भटूरे, पाव भाजी, चाउमीन, चिली पटाटो में ही रह जा रही हूँ। और अभी जब मैं लहंगा लेने गई थी ना चांदनी चौक, अब देखा होगा तो वहाँ पे मतलब मुझे लिटरली सब ने इतना ज़्यादा वो कर दिया। घर पे आने के बाद भी मैं अपने लिए 2 साड़ी भी लाई थी तो वो मैंने जस्ट पहन कर देखी ना, तो सबने मुझे ऐसे बोल दिया था ना, तुझे पतला होना पड़ेगा यार वरना तो सुंदर नहीं लगेगी। एंड आई वाज लाइक अरे यार चलो ठीक है होएंगे। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं स्टेडियम एंड सच में अमोक मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए सुबह सुबह उठा, थैंक यू। और गाइस उसकी आपको एक चीज दिखाऊं, इसकी चोटी दिखाऊं, ऐ दिखा दे, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता देखो भाई। और जो छोटा वाला ना चुग्गा वो भी रखने के लिए कह रहा था बट अभी उसकी रखी नहीं है क्योंकि उससे भी संभलेगी नहीं, तो इसलिए चलो चलते हैं। बाकी आपको आज का पूरा दिन दिखाती हूँ, घर की हालत ऐसी हो रखी है ना गाइस, मतलब पेंट है और मैं आपको दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। देखो मॉर्निंग में कितना ज्यादा कोहरा है, ये धुंध नहीं है गाइस, ये तो कोहरा ही है। ये गाइस सो टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं ठीक है, और मैं जब मॉर्निंग वॉक से आई थी, लाइक हम लोग आए थे आज 9:30 बजे, 9:30 बजे मैं जब आई थी घर पर वापस तो मैं नीचे ही रुक गई थी, नीचे जो हमारा हॉल है। और मैं आपको सच बताऊं मैं वहीं पे सो गई और मेरी आंख खुली सीधे 2:30 बजे, मुझे किसी ने उठाया भी नहीं, मतलब मम्मी पापा सब ने मुझे ये बोला कि तू सो रही थी तो वी वर लाइक कि ठीक है तू सो जा, बस अमोक चुग्गा और कृष्णा ने मुझे एक दो बार उठाया कि उठ जा भाई तूने कुछ खाया भी नहीं है और दोपहर हो गई है ये वो, चोचू ने बोला, मैंने कहा नहीं भाई मेरे को सोने दे यार, मैं ऐसे मतलब चिल्ला के जब मैं सो रही होती हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है क्योंकि सबको पता है कि एक बार बोलेंगे बस नानो, और अगर मैं नहीं बोली कि मतलब हाँ मतलब सो रही है उसके बाद भाई मेरे को कोई नहीं उठा सकता, सबको पता है उठेगी फिर सर दर्द करेगी, तो सोते टाइम कोई मेरे से वो नहीं करता। खैर गाइस हमारे घर का अभी हाल कुछ ऐसा हो रहा है कि पेंटर वाले भैया पेंट कर रहे हैं ये देखो ठीक है, और हमारा वाईफाई जो है वो ख़राब हो गया था, भैया वाईफाई ठीक करने आए हैं, वो वाईफाई ठीक कर रहे हैं, बिना वाईफाई के तो मैं मतलब मैं क्या मम्मी भी हम सब कैसे हो जाता है कि भाई वाईफाई। और अभी मम्मी पापा गए हैं मार्केट मेरे ही किसी काम से, मतलब मेरे कपड़े वपड़े कुछ देखना था एक दो, और मुझे लग रही थी भूख क्योंकि मैं बता रही हूँ ना मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, फिर उठते ही मेरे को इतनी तेज़ भूख लगी, मतलब तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं भाई, मुझे भूख लग रही थी, कह रहे हैं बकवास मत कर बोला था तुझसे खाने के लिए ठीक है। तो अब मैंने बनाए हैं अपने लिए पुलाव और मोस्ट प्रोबेबली गाइस कल बुआ आ जाएंगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मतलब हाँ बुआ के आने की भी एक्साइटमेंट है बट उनकी बेटी लाइक मेरी बुआ की जो बेटी है आना, आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ हर, लाइक मतलब शी इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन दिस वर्ल्ड, मतलब कोई ऐसी लड़की जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मतलब वो ऐसी वाली है यार सच में, मतलब शी इज़ जस्ट अमेजिंग, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर हर बट शी इज़ जस्ट अमेजिंग। तो मैंने बनाया अपने लिए पुलाव,
हाय गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे और मैंने कल अपने बालों में कर ली थी ऑयलिंग और मैं कल व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम है, मतलब बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। और आज देखो, मैं आज अपना मेकअप का पिटारा खोल कर बैठी हूँ और आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैंने ना 8-10 हज़ार रुपये का मेकअप ऐसे ही ऑर्डर कर दिया आँख बंद करके, क्योंकि आई जस्ट लव मेकअप। और जिसमें किससे कि अभी मेरा एक ही पार्सल आया है, जिसकी एक मतलब मैंने पर्पल से भी ऑर्डर किया है और मैंने नायका से भी ऑर्डर किया है, तो नायका की एक सेपरेट वीडियो आएगी और पर्पल की एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो वो भी आप लोग देख लेना। और मैंने आप जैसे कि आप लोग को बताया था कि आज बुआ आने वाली है, तो चाचा गए हैं बुआ को लेने एंड फाइनली आने आ जाएगी। सो आई जस्ट लव दैट गर्ल, मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे तो ये लग रहा है इस ब्लॉग का नाम ही आन्या रख देना चाहिए क्योंकि मैंने आज उसकी इतनी तारीफ करी है इस वाले ब्लॉग में कि बस मैं क्या बताऊँ। तो गाइज, एक मेरी मेकअप वैनिटी ये है, ठीक है, जिसमें कि मेरा पूरा प्रोफेशनल सामान रहता है। एक मेरी मेकअप वैनिटी ये है जिसमें मेरे कैजुअल प्रोडक्ट्स रहते हैं, मतलब डेली यूज़ में। हालांकि मैं मेकअप यूज़ नहीं करती, मतलब वो वाले जो रेडी टू गो वाले होते हैं। और वो गाइज, वो सारा जो अब मेकअप आ रहा है ना, वो मेरी शादी के लिए आ रहा है ऑफकोर्स। तो या हाय, हेलो गाइस, ये लोग आ गए हमारे घर में काम करवाने, क्योंकि हमारे घर में पुताई चल रही है ना, तो अभी ढोएंगे उन्हें नहीं बाल्टियों को, हम तुम्हें एंट्री करवाएंगे, घर को बाहर निकालेंगे तुमको। और गाइस, ये बड़े पापा सो रहे हैं और चोचू अंदर फोन चला रहा है और मेरा मेकअप का फाइनली सामान जो है वो सिमट गया है। कैसा लगा आपको आके? बढ़िया। तुम राजी हो? तुम्हारी बेटी आ गई? और क्या, बहुत खुश देख के तुझे लग रही है। और गाइस, हमारे घर पे मत जाना यार, अभी फैला पड़ा है, पता है, मत जाओ। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं होप करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगेन गाइज, हम जा रहे हैं फिर से शॉपिंग पे। और यार, ये ना तुम मेरी मम्मी के शॉल और स्वेटर को गाइज माइंड मत करना, वो ना एक्चुअली मम्मी इसमें कंफर्टेबल रहती है, बहुत है हमारे पास, बहुत है, बट वो कंफर्टेबल इसी में रहती है, ठीक है गाइज। हाँ, मतलब बेड में है और हमारे घर पे पेंट चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, तो वही सीन है। और ये भी चल रही है, बुआ भी और उनकी लड़की भी जा रही है, यानी आन्या। और गाइज, और मैं क्या बता रही थी, आज हम जा रहे हैं क्लोथ मार्केट, दिल्ली क्लोथ मार्केट, जहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह मिलते हैं। बाकी मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे करके, एक बार मैं रिक्शे में बैठ जाऊँ। और आज मैं कॉटन पहन कर जा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी वो हो गई हैं फुंसी वगैरह, मैं आपको बता रही थी मुझे वुलन से एलर्जी हो गई है। तुम तो पढ़ रहे थे? मुझे यहाँ पे पिंपल निकलने स्टार्ट हो गए, मुझे आज तक मेरी टीनेज में कभी नहीं निकले, मैं अपने ब्लॉग्स में भी बता रही थी आप लोगों को। और अब निकल रहे हैं मेरी शादी के 1.5 महीने पहले, और मेरे पापा ले आए हमारे लिए ब्रेड पकौड़े क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, मैं घर से कुछ खाते रहे। As usual, हाँ ठीक है, as usual guys, हम 12:22 से कॉन्डली, और अब कॉन्डली से हम जा रहे हैं क्लॉथ मार्केट क्योंकि हमने आज दो ऑटो करे हैं, क्योंकि दो जने आज हमारे एक्स्ट्रा हो गए थे, तो इसलिए। और पिछली बार भी यार उसने चांदनी चौक वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, चाची को हमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा था, तो दो दो ही कर लिया हमने। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से क्लॉथ मार्केट पहुँचने के बाद, प्लान में कुछ चेंजेस आ गए हैं आपको। अच्छा, लगा कोई और गाइस है, गाइस प्लान में चेंजेस आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं पहले चांदनी चौक दोबारा, क्योंकि वहाँ से मेरा लहंगा भी लेना है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा चांदनी चौक का ब्लॉग जाके देख लो पहले, और अगर आपने मेरे सूट नहीं देखे तो मेरा लाजपत ब्लॉग देख लो जाके। अभी हम जा रहे हैं पहले चांदनी चौक, फिर हम जाएंगे क्लोथ मार्केट, और अगर हमारे पास फिर टाइम बचा तो फिर हम जाएंगे वो कौन सी है, वो कतरन मार्केट, नहीं कतरन नहीं, किनारी बाजार, कतरन मार्केट तो अलग हो गई, किनारी बाजार। तो हम आ गए हैं चांदनी चौक एंड अभी हम सिर्फ मंदिर के सामने ही खड़े हुए हैं। सो और हमें भी जाएंगे मौका दो, हम लोग सैटरडे को आए थे, बहुत ही गलत दिन क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और आज हम आए हैं वेंसडे को, तो आप लोग भी प्रेफर करना कि सैटरडे और मंडे को ना आओ, और संडे को तो बंद रहता है, बाकी ट्यूसडे को भी नहीं आना चाहिए, ट्यूसडे ठीक है, स्टिल ओके, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे आर गुड।
तो हम वो लेने आए हैं अभी, क्योंकि यार शादी वगैरह में देनी भी होती है लेनी भी होती है ना वो सब सामान, हम वही लेने आए हैं। और आज तो ये थोड़ी मलूक सी बन के आई है क्योंकि ने पता था मैं व्लॉग करूंगी, बहुत बुरी बन के आई। ओके गाइस चलो जी देखो यहाँ पे बड़े प्यार है सच में। इस बार हमने इनकी दुकान को कर दिया फेल, हमें डिजाइन पसंद नहीं आए, तो हम जा रहे हैं वहीं पर जहाँ पर जो होलसेल वाली आई गेस शॉप थी जहाँ से मेरा लहंगा लिया था हमने। अगर वो वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा तो देख लो, इससे पहले वाला है चांदनी चौक, जो इससे पहले वाला चांदनी चौक का ब्लॉग है वो। मेरा लहंगा भी पिक करना है, नहीं मेरा लहंगा भी पिक करना है और साड़ी भी देखनी है तो चलो। और मेरे को आपको इस वाले ब्लॉग में ये भी बताना है कि वहाँ पे मतलब ऐसे बिना होलसेल के भी शॉपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो कर सकते हैं क्योंकि हमारे जानने वाले हैं, लेकिन आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। मैं इसी गली की तारीफ करी थी अपने ब्लॉग में, यही है वो गली। गाइस और हम जा रहे हैं उसी शोरूम पर, उसका नाम था आई गेस सुरेखा। सो इस बंदर है बंदर मेरा फोन ले लेगा, वेट अभी मेरे घर वाले मुझे वैसे ही दिला रहे, रुक जाओ बहुत जल्दी आ गया, मैं इसे घर भूलने वाली थी। ये रहा गाइस, ओए मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे होलसेल है तो मतलब जो लोग मेरे गाइस देख रहे हैं वो भी आके ले सकते हैं? ले सकते हो गाइस, रिटेलिंग भी ले सकते हो। तो हम फाइनली फिर से दोबारा वहीं पर आ गए थे जहाँ से मेरा लहंगा लिया था और आज भी अगले हफ्ते फिर आएंगे, अगली बार ये लेकर जाएंगे अपना। और अब आगे गए हमारी कॉफी लाल हो गई, मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गर्मी है। आगे पसंद इसको गाइस, वाइट मिल गया जैसा इसको चाहिए। इनका कलर नहीं बता रही अभी, उसमें देखना शादी में कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं गाइस। तो हम आ गए उस वाले शोरूम से बाहर और हम अगेन इस पतली सी गली से निकलेंगे बाहर। तो गाइस मेरा मूड जो है वो थोड़ा सा ऑफ है क्योंकि मेरा जो लहंगे का कलर है वो भैया ने चेंज कर दिया, और अगर मैं वो उनको मतलब अगर मैं वो लहंगा नहीं लेती तो जिन भैया ने मुझे दिखाया था वो उनके नाम पर बिल फटता, तो इतना महंगा बिल मैं किसी के नाम पे नहीं फटवा सकती थी यार। वो वहाँ पे वैसे भी जॉब कर रहे हैं एंड ना, तो इसलिए मैंने जो कलर उन्होंने मेरा चेंज किया मैंने वही कलर ले लिया, एंड उन भैया ने बार बार फिर थैंक यू भी बोला। तो या वो वाले तो कोई नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्या क्या कुछ भी, लेकिन फिर बाद में अंकल थे वो थैंक यू बोले। फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी गलती है, कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, अब आप दे दो क्योंकि आपके ऊपर इतना महंगा बिल फटे। या गाइस बाकी अब लग रही है बहुत तेज भूख और आज ठंड बहुत ज्यादा है दिल्ली में, बहुत ज्यादा अंदर दुकान में तो गर्मी लग रही है। हाँ अंदर तो मैं लाल हो गई थी पूरी, भाई मेरे को भूख लग रही है यार अब पहले। हाय, सो हमने ऑर्डर किया है राजमा चावल छोले चावल, नहीं राजमा चावल कड़ी चावल छोले भटूरे चाउमीन आएगा पंकज से आ गए हैं, कड़ी चावल एंड राजमा चावल। टूट पड़ो कड़ी चावल में तो मजा आ गया, उसने जान डाल दी छुकी हुई कड़ी थी, मेरा बहुत दिन से कड़ी चावल खाने का मन भी हो रहा था। सो यस, और अब हम जा रहे हैं गाइस क्लोथ मार्केट। मेरा जितना भी मूड ऑफ था ना वो कड़ी चावल खा के सही हो गया। अब हम क्लोथ मार्केट जा रहे हैं और हमें यहीं पे 5:30 बज गए। आज बुआ और आन्या ने ही लिया है लहंगा और किसी ने कुछ नहीं लिया, साड़ी ली है और साड़ी का है। ओ, हाँ 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 मैंने मेरी साड़ी ली है, भूल गई थी मेरी साड़ी भी है गाइस। चलो क्लोथ मार्केट चलो, मेरा बहुत ज्यादा खा लो इधर से और उसके बाद ये ऑटो कर रहे थे, फिर ऑटो वाले ने बोला पहले बोला उसने 60 रुपीज वन ऑटो, मतलब वन रिक्शा, रिक्शा वाला ठीक है। तो हमने कहा ठीक है हम 60 60 के टू रिक्शा कर लेते हैं, हम सब आ जाएंगे। फिर
फिर जब उसने हम सबको देखा कि हम 6 लोग हैं तो वो एकदम से चेंज हो गया 30 रुपीज पर पर्सन पे। फिर मेरी मम्मी ने बोला पैदल चलो, अभी जो खाया है ना तुम्हारा वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो पैदल चलो। हमने कहा ठीक है, तो हम जा रहे हैं क्लोथ मार्केट। आ गए हैं क्लोथ मार्केट में। बेसिकली ये एक लंबी सी लाइन है, इधर भी दुकानें हैं और इधर भी दुकानें हैं, इसको क्लोथ मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे बेडशीट, पर्दे, यही सब मिलता है। इस देखो कितना कोहरा है दिल्ली में, सच में ऐसे बोलते हैं ना ठंड हो तो दिल्ली जैसी। देखो ओह माय गॉड, ये देखो बहुत ही ज्यादा कोहरा है। तो हम लोग घर पर आ गए हैं एंड अब मैं यहाँ पे फैला कर बैठी हूँ अपना पर्पल नाइका और मीशो से जो मैंने स्लिंग बैग्स मंगाए हैं वो। एंड अब मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ नाइका हॉल, पर्पल हॉल एंड मीशो हॉल ऑफ स्लिंग बैग अंडर 300 रुपीज। तो अब वो ये जो सारी व्लॉग्स एंड वीडियोस है ना गाइज, ये मैं आज ही रात में या फिर कल मॉर्निंग में इनको मैं स्केड्यूल कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि ऊपर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, नीचे ही बैठ के मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। तो ये स्केड्यूल हो जाएगा तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि कौन सा व्लॉग किस दिन आ रहा है और कौन सी वीडियो किस दिन आ रही है। सो स्टे ट्यून्ड।